हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोमानास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डोनट्स की रेसिपी। ये बहुत ही क्रिस्पी, यमी और टेस्टी बनते हैं। देखिए, आप देख सकते हो, और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। ये मैंने बहुत ही इजी वे में बनाई है। देखिए, आइए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर दो बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, इसे अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 काला मिरी का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून यह है अनियन का पाउडर, 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास अनियन नहीं है तो आप बारीक चॉप कर अनियन यूज कर सकते हो। और यह है अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून। और ये गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून। और ये जीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून। और ये हरी मिर्च है, 3 से 4 बारीक चॉप कर ली थी मैंने। ये है गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक भी यूज कर सकते हो, या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हो। ये मैंने 1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए हैं। और ये है थोड़ी चीज जो मैंने अच्छे से ग्रेट कर ली है, करीबन 2 टेबलस्पून है। और ये पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसे। और ये कोरिएंडर लीव्स मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये बहुत ही अच्छी बाइंडिंग रेडी कर लेनी है हमें। ये हमारी बाइंडिंग रेडी है। मैंने 1 टेबलस्पून मैदा ले लिया है। और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का पाउडर लिया है। इसमें नमक ऐड किया है और रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और इसे पानी डालकर एक अच्छा सी पतला गोल रेडी कर लेना है, एकदम पतला गोल रेडी करना है। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। हाथों में मैंने ऑयल लगा लिया है, और थोड़ा सी पोर्शन जो हमने रेडी किया है डोनट्स के लिए वो मैंने ले लिया है। अभी से मैं एक अच्छा सी कटलेट्स का शेप दे देती हूँ, वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे ही आपको करना है। और फिंगर की हेल्प से एक अच्छा सी हॉल बना लूँगी, फिंगर और थंब की हेल्प से। देखिए, मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे करना है। देखिए, ये हमारा डोनट्स का शेप रेडी है। मैं आपको 1-2 और आपको रेडी करके दिखाती हूँ, ताकि आपको आइडिया है कैसे बनाना है। देखिए, एक अच्छे से कटलेट फॉर्म बना लेना है। देखिए, इसे थोड़ा थिक बनाना है, और फिंगर और थंब की हेल्प से एक राउंड शेप कर लेना है। देखिए, अब एक और तरीके से मैं बताती हूँ, अगर थंब और फिंगर की हेल्प से नहीं करना चाहते तो आपके पास रोलर तो होगा ही, रोलर की मदद से हम कर सकते हैं इसे। देखिए, इससे भी बहुत ही अच्छा शेप आ जाता है। ये जो हम ये रोटी और पराठा हम जिस बेलन से बेलते हैं वही है, इसे बेलन भी बोलते हैं। एक और बताती हूँ आपको, ताकि आपको परफेक्टली आइडिया आ जाए कैसे बनाना है। ये रोलर की हेल्प से बहुत ही अच्छे बनते हैं, परफेक्ट सर्कल शेप आ जाता है इसमें। देखिए, इसे बहुत ही स्लोली स्लोली प्रेस करना है। देखिए, इससे बहुत ही अच्छा शेप आ जाता है डोनट्स का। देखिए,
ऐसे ही हमें फटाफट से सब रेडी कर लेने हैं। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। अब मैं ऐसे ही सब फटाफट से रेडी कर लेती हूँ। देखिए मैंने सारे डोनट्स रेडी कर लिए हैं। अब हमने जो बैटर रेडी किया है कॉर्नफ्लोर और मैदे का, इसमें अच्छे से डोनट्स को डिप कर लेना है और उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स में इसको प्लेस कर दूंगी और इसे अच्छे से कोटिंग कर लेना है ब्रेड क्रम्स से। देखिए कोटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। देखिए ये कोटिंग हो चुके हैं। मैं एक दो और आपको करके दिखा दी हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कैसे बनाना है। डोनट्स को कॉर्नफ्लोर में डिप कर लेना है अच्छे से और उसे ब्रेड क्रम्स में प्लेस कर देना है और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोटिंग कर लेना है। कोटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। देखिए ये सेकंड डोनट हमारा रेडी है। एक दो डोनट्स में हाथ से भी रेडी करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए ये हाथ से भी बहुत ही अच्छे से कोट हो जाते हैं। देखिए और फिंगर की हेल्प से अपने हॉल कर सकते हैं इसमें। देखिए फोक से अच्छा तो हाथ से फटाफट से हो जाते हैं। देखिए और ये मैंने रेडी कर लिए हैं सब डोनट्स। दो आलू में 11 डोनट्स रेडी हुए हैं और ये तेल गरम हो चुका है और मैं फटाफट से डोनट्स प्लेस कर देती हूँ। डोनट्स को बिल्कुल भी ओवरलोडेड फ्राई ना करें वरना आपके डोनट्स टूट सकते हैं। और इसे फुल फ्लेम पर ही फ्राई करना है। एक साइड हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद ही फ्लिप करना है। वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको करना है। देखिए इसे उलट पुलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। देखिए ये डोनट्स अब देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। देखिए कितना मस्त कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट, क्योंकि हमने चीज भी थोड़ी ऐड की थी, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा इनहेंस होके आता है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। देखिए हमारे डोनट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए और ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसे आप फ्रीज भी कर सकते हो। जो ब्रेड क्रम्स हमने कोटिंग की वो कोटिंग करने के बाद जिप पाउच में या तो फिर एयरटाइट कंटेनर में आप अच्छे से उसे पैक कर फ्रीजर में रख सकते हो। तो ये आराम से 10 से 20 दिन तक आराम से चल सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते
और टेस्ट ऐसा ही आता है। तो आप ढेर सारे बनाकर फ्रीज भी करके रख सकते हो इसे। और ये डोनट्स बच्चों को तो बहुत ही पसंद होते हैं। और देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। देखिए, अंदर से बहुत ही फ्लफी और मस्त बने हैं और ऊपर से एकदम क्रंची है और इसका टेस्ट भी बहुत ही यम्मी है। ये तो आप बनाओगे तभी आप जान पाओगे कि ये कैसे बनते हैं। और मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसे बने थे आपके डोनट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।